हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कश्यप गुरु के में। जैसा कि मेरे मित्र देख सकते हैं, यह वैकेंसी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से निकलकर आ रही है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह वैकेंसी नोएडा यूपी से निकल कर आ रही है। जैसा कि मेरे मित्र देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड रिसीव ऑटोमेटिकली। देखिए, अब हम आ जाते हैं इसकी इम्पोर्टेंट की डेट के बारे में। जैसा कि मेरे मित्र आप देख सकते हैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 18/11/2022 रहने वाली है। साथ ही साथ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17/12/2022 रहने वाली है। आइए अब हम इसके नीचे चलते हैं। अब इसके नीचे आते हैं तो मेरे मित्र देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टों के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया है। जैसा कि मेरे मित्र देख सकते हैं, नंबर 1 पर इसमें मैक्सिमम एज 40 मांगी गई है। डिप्टी डायरेक्टर की है पोस्ट रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज में 2 रहने वाली हैं। साथ ही साथ सेकंड पोस्ट पर आते हैं, ये ईडीपी असिस्टेंट की रहने वाली है। इसमें मैक्सिमम एज 35 रहने वाली है। कुल वैकेंसी 1 रहने वाली है। थर्ड वैकेंसी पर आते हैं, जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर। इसमें एज मैक्सिमम एज 30 रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रहने वाली है। पोस्ट नंबर 4 स्टेनोग्राफर तथा पोस्ट नंबर 5 लोअर डिवीजन क्लर्क रहने वाली है। इन दोनों में चार चार पोस्ट रहने वाली है। मेरे मित्रों, आइए अब हम नीचे चलते हैं। इसके पूरे पूरे नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वह भी हम देखते हैं। पहली पोस्ट में सर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मांगी गई है, और आपके हिसाब से जो भी इसमें रिक्वायरमेंट में जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ें और इसका फॉर्म फिलअप करें। सेकंड वैकेंसी में जैसा कि आप देख सकते हैं, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से मांगा गया है। थर्ड में जैसा कि आप देख सकते हैं, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। फोर्थ में देख सकते हैं, 12th पास मांगा गया है। साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी मांगा गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क में जैसा कि आप देख सकते हैं, 12th पास विथ 30 पर मिनट इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी मांगी गई है। मेरे मित्रों, आइए अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। चौथे ऑप्शन में दिया गया है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट के बारे में आप पढ़ लें, ओबीसी के लिए कितना आयु में छूट दी गई है, जनरल में कितनी दी गई है, आप अपने हिसाब से पढ़ लें। अब मित्र हम आ जाते हैं इसकी फीस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मित्रों, जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये रहने वाली है। साथ ही साथ ST SC PWD एंड EWS के लिए 200 रुपये मात्र रहने वाली है। अब हाउ टू अप्लाई के लिए मेरे मित्र, IWAI होम पेज पर रिक्वायरमेंट पेज पर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन करना है। मेरे मित्र, अब हम नीचे जाते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं मेरे मित्रों, इनको भी आप पढ़ेंगे। अब मित्र हम आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, क्या क्या चीज़ें और मांगी गई हैं इसमें देखते हैं। आइए हम देखते जाते हैं क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं इस पोस्ट के लिए। मेरे मित्रों, इसमें बस संपूर्ण जानकारी यही रहने वाली है, लेकिन आइए हम इसमें एक जानकारी और छूट गई थी, हम ये भी आपको बता दें। एग्जामिनेशन मोड, सिलेक्शन मोड कैसा क्या रहने वाला है। LDC के लिए CVT होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए भी CVT होगा, स्किल टेस्ट होगा। थर्ड पोस्ट जोन सी है जो हाइड्रोग्राफिक की, उसमें CVT होगा। ADP में भी CDP होगा और डायरेक्टर में भी CVT होगा। यानी 3 पोस्टों में CVT होने वाला है, 2 पोस्ट में CVT प्लस स्किल टेस्ट रहने वाला है। अब मेरे मित्र देखते हैं इसमें एग्जाम सेंटर कहाँ का रहने वाले हैं। इसमें दिल्ली रहने वाला है, मुंबई रहने वाला है, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, कोची, बस यही सेंटर रहने वाले हैं एग्जाम सेंटर मेरे मित्रों। जैसा कि मेरे मित्र देख सकते हैं। थैंक यू।